आज मैं आपको गोवा की फेमस एंड बहुत ही फेमस टिटोज लेन को दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कॉकटेल एंड ड्रीम्स जो बार है मेरे जस्ट सामने है, और यहाँ पर बहुत सारे बार एंड रेस्टोरेंट हैं, और यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे होटल एंड डिनर एंड स्टे करने के लिए, घूमने के लिए क्या क्या है, और यहाँ पर क्या क्या कांड होते हैं, सब चीज़ को बताऊँगा। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मेरी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, और शॉप्स के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे बार रेस्टोरेंट एंड मसाज पार्लर एंड टैटू स्टूडियोज भी हैं। अब आगे चल के मैं आपको पूरा टिटोज लेन दिखाऊंगा और टिटोज नाइट क्लब भी दिखाऊंगा, और कहां पर है टिटोज नाइट क्लब उसके सामने जाके मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको आगे बढ़ के पूरी वीडियो दिखाता हूं, पूरी रोड को दिखाता हूं। टिटोज लेन एक्चुअली क्या है, इस एरिया में टिटोज नाइट क्लब स्थित है, इसलिए इसे टिटोज लेन कहा जाता है। और यहाँ पर गोवा के मोस्ट कॉस्टली एंड मोस्ट फेमस जो बार एंड रेस्टोरेंट हैं एंड नाइट क्लब बोल सकते हैं वो भी हैं, और कुछ नाइट क्लब इस लेन से बाहर भी हैं जो कि फेमस है, लेकिन मैं आज इसी के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर जो टैटू स्टूडियो हैं इनसे थोड़ा बच के रहना, और ओयो होटल आपके रुकने के लिए सामने दिखाई दे रहा है। तो चलिए और आगे चलते हैं। अरे भाई, वो पिंक वाली लड़की जो है ना, मुझे अभी बुला रही है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रही है ये, और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। आ रही है, देखो मेरी तरफ बुला रही है। मैं अब इसके आगे का वीडियो पॉज करके जस्ट आपको आगे चल के बताता हूँ कि ये लड़की क्या बोल रही थी। ये बोल रही थी कि सर, हम लोग का एक मसाज पार्लर है, अगर आप वहाँ पर चलोगे तो आपको सारी टाइप की मसाज होंगे और फ्री भी मिलेगा। उसने वीडियो नहीं बनाने दिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बोला कि प्राइस कितना है, तो बोली सर आपको केवल 4000 देना पड़ेगा एंड बॉडी टू बॉडी मसाज होगा। मतलब ये लोग लालच देते हैं, और इनके एजेंट भी घूम रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार गोवा में अगर आ रहे हो आप, तो इस तरह के एजेंट से बच के रहना, या लड़के या लड़कियाँ दोनों भी हो सकती हैं। तो मुझे आज फर्स्ट टाइम लड़की मिली, अभी तक तो मुझे लड़के मिलते थे जिनका वीडियोज मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, लेकिन आज एक लड़की मिली जो ऐसा बोल रही है कि सर ऐसा ऐसा है, और वीडियो नहीं बनाने दिया। अदरवाइज मैं उसे पूरी तरह से एक्सपोज कर देता, लेकिन वीडियो उसने नहीं बनाने दिया। लेकिन चलते हैं आगे, और अगर आपको ऐसे एजेंट या ऐसे दलाल या ऐसे कोई भी मिलता है ना, तो आपको इस लेन में बहुत मिलेंगे, तो उनसे बच के रहना। और जरूर गोवा में बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं डे बाय डे, तो इसलिए इन चीज़ों से बच के रहना आप जरूर। चलिए मैं आगे चलता हूँ और टिटोज नाइट क्लब तक पहुँच के आपको दिखाता हूँ। ये कैफे टाउन है, ये एक बार है जो कि रोड व्यू के साथ आपको फैसिलिटी देता है। इसकी एंट्री फीस 1000 रुपीज है, और आप यहाँ पे जाके रोड व्यू के साथ अपनी ड्रिंक्स को एंजॉय कर सकते हैं। मेरे सामने द पिंक एलिफेंट कैफे और थाई स्पा है, आप थाई स्पा भी करा सकते हैं, और बट उस तरह के एजेंट से बच के रहना जैसा कि मैंने अभी दिखाया था कि सर बॉडी टू बॉडी मसाज, मतलब आप लोगों का बिल्कुल चार चांद लग जाते हैं आँख में कि बॉडी टू बॉडी मसाज होगा। और ये भी एक एजेंट हैं द पिंक एलिफेंट के जो सामने आ रहे हैं मेरे, और ये कुछ गाली टाइप में दे रहे थे बट चले गए कैमरे को देख के। तो ये है द पिंक एलिफेंट कैफे, और उसके बगल में है थाई स्पा। तो ये बच के रहना आप इन चीज़ों के पास, या फिर इस लेन में जो भी है ना, आप जो भी कुछ करना बिल्कुल सोच समझ के करना। और ये है बगल में फिश स्पा, इसे तो करवा सकते हो, ये केवल 100 रुपीज में है। इसमें फिश आपकी मसाज करेगी, ना कि कोई लड़की मसाज करेगी। लेकिन जो एजेंट मिलेंगे वो बोलेंगे कि सर आपको लड़की मसाज करेगी, बॉडी टू बॉडी मसाज, तो उस तरह से बच के रहना। ये चलिए अब मैं टिटोज लेन या फिर टिटोज लेन के अंत में लगभग पहुँच गया हूँ। इसके आगे केवल मांबो कैफे है, उसके बाद बागा बीच मिल जाएगा, लेकिन ये है फेमस टिटोज नाइट क्लब गोवा का। आप क्राउड देख सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पे देख सकते हैं साइड में लाइन लगी हुई है अंदर जाने के एंट्रेंस के लिए। अगर आप टिटोज नाइट क्लब में जाना चाहते हैं, ये जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 10:30 बजे के बाद ही जाओ, जिससे आपको रशियन लड़कियों का डांस और बहुत तरह के डांस एंड क्लब डांस आपको देखने को मिल जाए। ये नाइट क्लब
पूरे साल ओपन रहता है, ना कि एक दिन, पूरे साल ओपन रहता है। इवन बरसात में भी, बारिश के सीजन में भी, मीन्स जुलाई अगस्त में भी ये ओपन रहता है। तो इसलिए अगर आप कभी जुलाई अगस्त में अगर यहाँ पे आते हो गोवा, तो टिटोज नाइट क्लब के अलावा आपके पास घूमने के ऑप्शन कम होंगे। इसलिए इस नाइट क्लब में भीड़ लगती है, ज़बरदस्त भीड़ लगती है। अगर आप इसकी एंट्री फीस जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।